घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने का एक बहुत ही आसान और चमत्कारी उपाय। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का पता लोगों को बहुत बाद में चलता है, क्योंकि इसके कोई स्पष्ट शारीरिक लक्षण नहीं होते हैं, और इसी वजह से जब तक लोगों को बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से सबसे ज़्यादा खतरा हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का होता है, और ये दोनों ही बीमारियां ऐसी हैं जो कई बार रोगी को अस्पताल पहुंचने तक का भी समय नहीं देती हैं। दोस्तों, इसलिए जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो इसे नज़रअंदाज यदि करते हैं तो अपने जीवन से बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हैं। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डाइट में बदलाव और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आयुर्वेद में कई ऐसी स्ट्रॉन्ग जड़ी बूटियां होती हैं जो प्राकृतिक तरीके से कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही हर्बल चाय के बारे में बताएंगे जो बहुत तेजी से आपके बढ़े हुए खराब कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर देती है और उसको कम कर देती है। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत होगी। एक तो काली मिर्च का पाउडर और हल्दी का पाउडर, ये दोनों ही चीज़ें आपके किचन में जरूर होंगी। दोस्तों, एक रिसर्च में साबित हो चुका है कि हल्दी दुनिया के सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट वाले मसालों की लिस्ट में शामिल है। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन नामक एक्टिव कंपाउंड शरीर को कई तरह की जानलेवा और गंभीर बीमारियों से बचाता है। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जिसके कारण हल्दी से बनी चाय पीने से आपके शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और धीरे धीरे पूरी तरह से शरीर से समाप्त हो जाता है। आप इसके बाद ये चाय पीने के बाद आप हेल्दी और एक्टिव लाइफ जी पाते हैं। इस चाय को बनाना बेहद आसान है। आप एक बर्तन में 1.5 कप पानी ले लीजिए और उसको गर्म कीजिए। पानी जब उबल जाए तब आप उसमें 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दीजिए और करीब 3 चुटकी काली मिर्च का पाउडर उसमें डाल दीजिए, और इनको डालकर हल्की आंच पर 4 से 5 मिनट तक उबालिए। तब तक पानी 1.5 कप की जगह 1 कप रह जाएगा। जब ये अच्छे से उबल जाए तब आप उसको गैस से उतार कर बर्तन को और इस चाय को छान कर 1 कप के अंदर कर लीजिए। इस तरह से ये आपकी चाय बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों, एक चीज़ और है जो हम आपको बता दें, यदि आपको इसका टेस्ट पसंद ना आए तो आप इसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद मिला सकते हैं, अन्यथा यदि आप पी सकते हैं तो गर्मा गर्म इसको आप पीजिए। दोस्तों, पूरे दिन में इसको सिर्फ एक बार सेवन करना है, और जब तक आपका कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है, ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक आप इसको सेवन करें। दोस्तों, एक बार इस नुस्खे को शुरू करने से पहले अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करा लें, उसकी जांच करा लें, और जब इसको आप पीना शुरू कर दें तो पीने के बाद कम से कम 15 दिन तक लगातार इसको पीते रहें, या 1 हफ्ते लगातार पिए, उसके बाद आप टेस्ट करा लें। जैसे भी आपको सही लगता है वैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल का नामो निशान आपके शरीर से मिट जाएगा। दोस्तों, यदि हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये पूरी तरह से सेफ़ है और ये आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और ये बहुत तेज़ी से आपके शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देगी और हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा आपके जीवन से पूरी तरह से निकल जाएगा। दोस्तों, परहेज आपको क्या करना है, आपको हल्का खाना खाना है जो आसानी से पच जाए। ज़्यादा घी तेल वाले चीज़ें ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं जैसे पिज्ज़ा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक का सेवन ना करें, बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं, सफ़ेद नमक की जगह आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, इसके अलावा पूरे दिन में 10 से 12 गिलास नॉर्मल पानी पियेंगे तो दोस्तों बहुत जल्दी ही आपको खराब कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी ये वीडियो और बताया गया नुस्खा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्द ही फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।